कंपोजिंग एक ऐसी चीज है विच यू नो इट जस्ट कम्स टू यू, गाना अपने आप आता है. आपके मम्मी को कैसा लगता है आपके कंपोजिशंस? शी लव्स ईच एंड एवरी कंपोजिशन ऑफ माइन, अल्टीमेटली माया, उनको तो अच्छा लगना ही है मेरा गाना. आई एम ब्लेस्ड टू वर्क विद जावेद अख्तर साहब फॉर बोथ माई फिल्म्स, और दोनों पे वो लिरिक्स लिख रहे हैं मेरे गानों के. तेरे दिल में क्या है तू बता रे, कमांडो 2 का हमने जब गाना सुना तो थोड़ा सा कमांडो 1 के गानों से डिफरेंट है. हालांकि दोनों फिल्में एक्शन फिल्म्स हैं. हाँ, एक्शन फिल्म्स हैं, लेकिन गाने थोड़े अलग हैं. जैसे तेरे दिल में क्या है तूने बताया, ये भी गाना सीधा साधा वन काइंड ऑफ सॉन्ग. और फिर आपने रिप्राइज्ड वर्शंस भी बनाए, ये दोनों गानों का मिक्स आपने अलग अलग किया है. सो वो कैसा था, मतलब क्या पर्सपेक्टिव से आपने वो देखा? कमांडो 2 का एक जो ब्रीफिंग हमको दी गई थी एज अ म्यूजिक कंपोजर, द ब्रीफिंग आई गॉट वाज मोर टुवर्ड्स, इट वाज एन अर्बन सेंट्रिक फिल्म. इट इज शॉट इन बैंकॉक थाईलैंड, सो फ्यू पोर्शंस इन बॉम्बे, इन मुंबई एंड मलेशिया. तो एक अर्बन सेंट्रिक फिल्म थी, एक इंटरनेशनल स्पाई टाइप की एक सीरीज की एक एस्टेब्लिशमेंट कमांडो 2 से की गई है. तो उस हिसाब से जो म्यूजिकल जोन जो मुझे उस वो कम्प्लीटली चेंज करना था. मुझे कम्प्लीट म्यूजिक जोन वॉज इन टू रॉक एंड पॉप. द रेफरेंस गिवन टू मी वॉज गेटिंग इन टू रॉक, पॉप, ब्लूज, वेस्टर्न टाइप ऑफ वेस्टर्न साउंड, कम्प्लीटली वेस्टर्न टोन. तो इसीलिए ये डिस्टिंग्विश करता है कमांडो 1 से, क्योंकि दो अलग टाइप के जॉनर्स, दो अलग टाइप के साउंड्स मैंने एस्टैब्लिश किए. उसी में एक मेरी एक आइडेंटिटी हो गई कि आई कैन, एक वर्सेटैलिटी मैंने, मुझे प्रूव करने का एक मौका मिला. सो दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग बूस्ट फॉर मी. आपने इंडियन क्लासिकल ट्रेनिंग ली थी, तो वहाँ से जाके आपने कमांडो 2 में बिल्कुल अलग तरीके के म्यूजिक दिए, तो आपको दिक्कत नहीं हुई थी कहीं? बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट मेरे लिए बहुत आसान काम था मेरे लिए कंपोज करना, बिकॉज कंपोजिंग एक ऐसी चीज है विच यू नो इट जस्ट कम्स टू यू. गाना अपने आप आता है. गाने की जो डिजाइनिंग होती है उस पर आपकी टीम आती है, दैट्स व्हेन द टीम कम्स. बट क्रिएटिंग अ मेलोडी इज कम्प्लीटली प्योरली बेस्ड ऑन द टैलेंट ऑफ द म्यूजिक डायरेक्टर. तो एक वेल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखा हुआ एक वेल लर्नड म्यूजिशियन अगर मिले तो वो कर सकते. व्हाई कांट ही मेक वेस्टर्न म्यूजिक ऑल्सो? ही कैन एक्चुअली वेंचर इनटू एनी टाइप ऑफ मेलोडी अनलेस एंड अंटिल ही इज नोइंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. ही डजंट नीड टू बॉदर. एक क्योंकि वो साइमल्टेनियसली एज अ कंपोजर गाने भी सुनते रहता है, वो रेफरेंस पॉइंट्स भी लेते रहता है. इतने सारे इंटरनेशनल एरिना में भी गाने हैं, हमारे इंडियन म्यूजिक में इतने सारे गाने हैं. वो सुनने से भी एक इंस्पिरेशन मिलता है कंपोजर को कुछ क्रिएट करने के लिए. आपके मम्मी को कैसा लगता है आपके कंपोजिशंस? ओ, शी लव्स ईच एंड एवरी कंपोजिशन ऑफ माइन, अल्टीमेटली माया, उनको तो अच्छा लगना ही है मेरा गाना. तो हु इज द वन हु लिसंस टू योर कंपोजिशंस फर्स्ट? फर्स्ट, हां फर्स्ट मैं मेरे मम्मी को सुनाता हूं. आई प्ले इट टू माय मदर. उसके बाद विपुल जी सुनते हैं कभी, जो भी सिंस आई हैव वर्क्ड विद हिम ऑन कमांडो 1 एंड कमांडो 2. तो मेलोडीज वो यू नो इनिशियल स्टेजेस में मैंने कुछ 50-60 मेलोडीज बनाई थी. देन ही यूज्ड टू बी द फर्स्ट पर्सन टू लिसन टू इट आफ्टर माय मदर. तो पहला सबसे पहले मेरी माँ सुनती है एंड शी इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिटिक्स ऑफ माइन. ओके, हां उनको नहीं पसंद आएगा तो मुझे बोलेंगे कि नहीं अच्छा लगा मुझे. सो कमांडो 2 का म्यूजिकल जर्नी कैसा था आपका? कमांडो 2 का म्यूजिक जर्नी वाज it was very tedious. बहुत ही it was a tough one actually, क्योंकि एक zone अलग था. Commando 1 से completely अलग genre था वो. Genre है rather. तो उसमें जैसे कि मैंने पहले कहा कि I believe in doing a lot of live music work. Live music में मैं ज़्यादा मानता हूँ, digitalization में इतना मैं कम इन्वॉल्व होता हूँ. तो इस फिल्म में भी मैंने जितना बन सकता है उतना मैंने लाइव इंस्ट्रूमेंट्स मैंने यूज़ किए हैं. फॉर तेरे दिल में विच इज संग बाय अरमान मलिक, ये इस गाने के लिए आई हैड बीन टू चेन्नई. आई हैड गॉन टू चेन्नई, रिकॉर्डेड अ 16 पीस ऑर्केस्ट्रा विद अ वेरी ब्यूटीफुल ऑर्केस्ट्रा. देयर नेम इज चेन्नई स्ट्रिंग्स. दे आर वेरी पॉपुलर. दे हैव बीन प्लेइंग विद एआर रहमान एंड इलैयाराजा फॉर मोर देन 30 इयर्स. तो उनको रिकॉर्ड करने का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बढ़िया रहा. हमने स्पेशली स्ट्रिंग सेक्शन का एक पीस कंपोज किया है गाने के शुरुआत में,
जो हमने कंपोज करके उनसे कम्प्लीटली स्कोर्स अरेंज करवाए और पूरे प्रिपेयर करवाए, एक हफ्ते का रिहर्सल किया उन्होंने और फिर हमने रिकॉर्ड किया उनको, 6 घंटे की रिकॉर्डिंग थी हमारी। सो कमांडो 1 के बाद कमांडो 2 में आपका टीम भी चेंज हुआ होगा ना, प्रोग्रामर्स टीम एंड ऑल? कुछ प्रोग्रामर्स चेंज हुए, कुछ ऐड हुए हैं, कुछ सेम ही है। कमांडो 1 में सावन बेरी जिन्होंने प्रोग्राम किया था वो मेरे बहुत ही खास दोस्त हैं, और प्रीतम दाकिया साथ मेरी उनकी फ्रेंडशिप हुई थी, उनका नाम है प्रसाद साष्टे। अच्छा। उन्होंने सावन बेरी प्रोग्राम किया था और तेरे दिल में भी उन्होंने प्रोग्राम किया है। ओके। और वो गाने का, मेरे रोमांटिक गाने का जो पल्स है वो मुझसे ज़्यादा समझ सकते हैं। अच्छा। मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ वो उससे बियॉन्ड देते हैं। और सेकेंडली सीधा साधा नाम का एक गाना जो अमित मिश्रा ने गाया, जुबिन ने गाया है, सीधा साधा में भी हमने लाइव गिटार्स रिकॉर्ड किए थे, इट्स प्रोग्राम्ड बाय अनदर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हिज नेम इज भरत गोयल। जो भरत भी मुझे प्रीतम दा के यहाँ ही मिला था। तो वहाँ हमने लाइव गिटार्स हमने रिकॉर्ड किए थे विद अ वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन, हिज नेम इज मोहित डोगरा, अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर। और उसका रिप्राइज वर्जन इमोन गोस्वामी ने प्रोग्राम किया था, अगेन अनदर कम्प्लीटली, इट्स अ रिप्राइज वर्जन, इट्स एन अकूस्टिक वर्जन, तो वो तो लाइव ही होना है। उसके बाद का जो अभी आप शॉर्टली क्या क्या फिल्म्स आप करने वाले हो? फिलहाल आई वुडंट नेम द फिल्म्स बट बिकॉज माय प्रोड्यूसर्स वुड लाइक टू अनाउंस द फिल्म्स फर्स्ट, बट एक मेडिकल थ्रिलर पे मैं काम कर रहा हूँ। Okay. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इट्स अ स्टोरी ऑफ अ डॉक्टर। और दूसरी मैं और एक फिल्म पे काम कर रहा हूँ, इट्स अ लव स्टोरी, इट्स अ प्योर लव स्टोरी on the lines of the today's family system and the joint family system of today's times. We are especially expecting a very good music from the I hope I deliver to the best of my ability. Yes, but is film pe khaas taur pe main itna mention karna chahunga ki I am blessed to work with Javed Akhtar sahab for both my films. और दोनों पे वो lyrics लिख रहे हैं मेरे गानों के, और he is one of the living legends we have in the country. तो आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाहेंगे? दर्शकों, फिलहाल मैं आई विल प्ले तेरे दिल में, तेरे दिल में, जो कि आज तू ही मेरा सच है रे, तू ही मेरा ख्वाब रे, मेरे इस ख्याल पे तेरा क्या जवाब रे, दिल नहीं तो दर्द ही दे दे बेहिसाब रे, तेरे दिल में क्या है तू बता रे, तेरे दिल में क्या है तू बता रे, नैनों से ही कर दे तू इशारे, तेरे दिल में क्या है तू बता रे, हो तू ही मेरा सच है रे, तू ही मेरा ख्वाब रे, मेरे इस ख्याल पे तेरा क्या जवाब रे, दिल नहीं तो दर्द ही दे दे बेहिसाब रे, तेरे दिल में क्या है तू बता रे, तेरे दिल में क्या है तू बता रे, नैनों से ही कर दे तू इशारे, तेरे दिल में क्या है तू बता रे।